अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक आम सी जनरल सी ट्रिक और टिप्स देने वाली हूँ जो कि आप तमाम जो है ग्राफिक डिजाइनर्स या जो भी कैनवा यूज करते हैं उनके लिए बहुत अहम है। तो जनाब चलते हैं कैनवा की तरफ। ये हमारा कैनवा का जो है वो होम पेज ओपन हुआ हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप किस तरह से कैनवा से अपनी फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या अपने डेस्कटॉप पे, वो चाहे फॉर्मेट वीडियो का हो, चाहे पीएनजी हो, पीडीएफ हो या कोई भी फॉर्मेट हो। मैं आपको वीडियो वाला जो है ऑप्शन वो खोल के दिखाती हूँ। वीडियो पे जाएं और वीडियो के क्रिएट प्लान पर जो है क्लिक करें। एलिमेंट पर जाके सपोज करें कि हमारी जो है वीडियो जो है ये है, एक ये है, हम इसको डाल देते हैं। फिर अगला जो है वो ये है, इसको डाल देते हैं। ये सपोज हमारा जो है प्रोजेक्ट है, आपके पास चाहे पीएनजी फाइल हो, चाहे वीडियो हो, वट एवर कुछ भी हो, जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपने उसको डाउनलोड ही कर रहे हैं। तो डाउनलोड करने का तरीकेकार ये क्या है ये आज मैं बताऊंगी आपको। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए आपने ये शेयर के बटन पे क्लिक करना है। शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से जो है वो शो करेगा ऑप्शन, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये डाउन ड्रॉप है। अगर आपका वीडियो का प्रोजेक्ट है तो आप MP4 में जो है वो डाउनलोड करें। अगर आपने JPG में पिक्चर में करनी है तो JPG में करें, PNG में करना है तो उसको क्लिक करें, PDF में करना है तो PDF स्टैंडर्ड है, PDF प्रिंट है, SVG है, MP4 वीडियो है हाई क्वालिटी की और ये जिप है। तो आप इनमें से कोई भी जो है वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मेरी क्योंकि ये वीडियो है, मैं वीडियो को आपको दिखा रही हूँ तो वीडियो ही सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद क्या है, ये क्वालिटी है हाई या लो आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से ही करेंगे। यहाँ पेज नंबर है, आपने जो पेज नंबर डाउनलोड करना है आप उसको रैंडम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या अनचेक करें ऑल पेजेस पे और एक को क्लिक कर लें। ठीक है, ये अगर मैं पेज नंबर 1 करूंगी तो ये पेज नंबर 1 ही डाउनलोड होगा। अगर मैं पेज नंबर 2 भी साथ करूंगी तो पेज नंबर 2 भी दोनों होगा। अगर मैं ऑल पे क्लिक करूंगी तो मेरे वीडियो में जितने भी पेजेस बने होंगे वो सब के सब जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से ये तमाम जो पेजेस है उसको सेलेक्ट करने का और अनचेक करके जो है हम अनसेलेक्ट कर सकते हैं तमाम पेजेस को। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है पेज की वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप PNG वाले कर रहे हैं तो PNG वाले में भी ऐसे ही ऑप्शन होगा, और अगर आप PDF कर रहे हैं तो उसमें भी यही ऑप्शन होगा। सेम प्रोसेस है तमाम तमाम प्रोजेक्ट्स का, किसी भी फॉर्मेट में आपकी फाइल हो तो आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर PNG या PDF या कोई और फाइल फॉर्मेट हो तो वो हम कैसे करेंगे। सेम तरीके का है, आपने सिर्फ ऊपर से जो है वो सेलेक्ट करना है। आप इस वीडियो को भी PNG में जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। PNG में आपको पता है कि एनिमेशन नहीं होती, स्टिल होता है सीन, जबकि वीडियो में जो है आपको एनिमेशन और हर चीज होती हुई नजर आती है। तो अगर आपका वीडियो का प्रोजेक्ट है तो वीडियो में करें, अगर आपके PNG या फिर JPG आप तस्वीर की सूरत में किसी चीज को लेना चाहते हैं तो आप PNG या JPG करेंगे और फिर उसके बाद जो है ये प्रिंट निकाल लेंगे। और पेजेस के सेक्शन भी मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ से जो है वो तमाम पेज को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं। जो भी आपको पेज जो है डाउनलोड करना है आप उसको रैंडम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किया चेक लगाया तो हम डाउनलोड करूंगी तो ये एक पेज ही जो है वो सेट होगा, और उसके बाद जो है वो डन पे क्लिक कर दें, ये डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह से आप किसी भी फाइल या किसी भी फॉर्मेट की फाइल को या फिर कोई भी जितने भी अगर 15 से 20 पेजेस भी हैं उसमें से सिलेक्टिव जो पेजेस आपने डाउनलोड करें हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जो है वो एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।